बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज नेशनल इनकम। काफी बच्चों को दिक्कत होती है चैप्टर में, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करते हुए चलेंगे। गुड इवनिंग सौम्या। चलिए बेटा, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम के बारे में। सबसे पहले आज चर्चा हमें जो करनी है दैट इज फॉर डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जिसने कहीं भी पढ़ा हो, पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पहली बार पढ़ रहे हैं आप सब, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम से आप क्या समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से। गुड इवनिंग समर बेटा। इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल है किसका बेटा, फैक्टर इनकम का, which is earned by normal resident। जो कौन कमाता बेटा, normal resident कब कमाता है, during the period of accounting year। कहां कमाता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले बेटा, पढ़ना पड़ेगा हमें डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले डोमेस्टिक इनकम क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी राजा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो के ऊपर से। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सम टोटल होती है बेटा, क्या होती है, सम टोटल, सम टोटल किसका, सम टोटल फैक्टर इनकम का। अब फैक्टर इनकम कौन कौन से होती है बेटा, रेंट होती है, वेजेस होती है, इंटरेस्ट होता है एंड प्रॉफिट होता है। ये चार चीजें फैक्टर इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का। बेटा ऊपर से ना क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, 720 क्वालिटी आपको करनी पड़ेगी सेटिंग में जाकर। फैक्टर इनकम रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्वालिटी बहुत ही कम होगी आपकी, उस क्वालिटी को चेंज कर लीजिए बेटा। चलिए, तो फैक्टर इनकम यानी फैक्टर पेमेंट कह सकते हैं हम लोग, हमने पढ़ी थी चार होती है फैक्टर, जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर पढ़ रखा है। फैक्टर इनकम होती है तो चार प्रकार की, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, सॉरी रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट। नोट बेटा, नोट करने का समय दे दूंगा मैं, नोट करने का समय दे दूंगा। मुझे बताओ रेंट किसके ऊपर कमाते थे बेटा, जल्दी से बताओ रेंट किसके ऊपर कमाते थे यार, रेंट किसके बदले में मिलता था बेटा, किसके बदले में रेंट मिलता था। कुछ बच्चे छिपम छुपाई खेल रहे हैं बेटा, 27-28 बच्चे, कभी 20 रह जाते हैं, कभी 25 हो जाते हैं, ऐसे छिपम छुपाई ना खेले यार। रेंट बताओ बेटा, रेंट क्या होता था, रेंट किसके बदले मिलता था, लैंड के बदले। वेजेस किसको मिलती थी, लेबर। इंटरेस्ट किसको मिलता था, कैपिटल पर। और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को, ईएमपी लिख लेता हूं, किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सौम्या, समर, सार्थक, कशिश, सलोनी, जोशी जी, पारस जैन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कितने समझदार बच्चे हैं, बहुत ही समझदार बच्चे।
इतने होनहार बच्चे बेटा माता रानी ने मुझे दिया था। हाँ जी बेटा पोस्ट करेंगे, टेंशन मत लो, पोस्ट करेंगे वीडियो। विच इज अर्न, तो कौन कमाता बेटा? अर्न यानी फैक्टर इनकम कमाता कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कमाता है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब बेटा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो प्राणी होता है जो रिसाइड इन द कंट्री, रिसाइड इन द कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई विद इन द कंट्री, लाई विद इन द कंट्री। भारत में रहता हो यानी इन कंट्री में रहता हो, रिसाइड एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां करता हो? भारत में करता हो। वेरी गुड सोरिया बेटा। तो बेटा नॉर्मल रेजिडेंट वो प्राणी होता है जो या तो भारत में रहता है, या तो भारत में रहता है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में करता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो प्राणी होता है जो भारत में रहता है और भारत में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। ऐसे प्राणी को जो भारत में रहता हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में करता हो उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। अब बताओ बेटा क्या आप अजय राणा को नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे नहीं मानोगे? क्या अजय राणा नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? क्या अजय राणा भारत में रहता है? क्या अजय राणा भारत में रहता है? हाँ सर रहता है। क्या बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैसा कमाने वाली एक्टिविटी भारत में कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। वेरी गुड बेटा। क्या बेटा आपके पेरेंट्स जो इनकम कमाने बाहर जाते हैं, आपके घर में मम्मी या पापा कोई इनकम कमाता होगा जो इनकम कमा रहा है, यानी आपके पेरेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट है क्या? नॉर्मल रेजिडेंट है आपके पेरेंट्स? हाँ सर भारत में रहते हैं, हम भारत में पैसा कमाते हैं। ठीक है सॉरी बात को एक तरफ रख देते हैं। क्या राजा बेटा आप नॉर्मल रेजिडेंट है? क्या आप लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है? खुशी वेरी गुड। सौम्या सार्थक, दिया मुस्कान, सुमित जोशी, भूमिका रानी जी, भूमिका पूनम खुशी, दीप्ति कपूर, सौर्य गोयल, कार्मिक सार्थक, अंजु वर्मा, सलोनी, सुमित जोशी, खुशी मुस्कान। वेरी गुड बेटा। कितने होनहार बच्चे हैं आप? नहीं बेटा कशेश आप हो, भारत में तो रहते हो बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी करो ना करो बाकी कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप भारत में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, या तो भारत में रहते हो या भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, आप भारत के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। आज घर में डायरेक्ट क्लास खत्म होने के बाद आज बेटा धरने पर बैठ जाना, पापा मम्मी से कहना कि हम भी नॉर्मल रेजिडेंट है। आज घर पे बैठना बेटा, बैठ जाना धरने पर बैठ जाना कि हम नॉर्मल रेजिडेंट है। पापा बोलेंगे हाँ बेटा एक होना चाहिए, पापा बोलेंगे तू हमारा लाल है, तुम्हारी बिटिया है, लड्डू गोपाल है तुम्हारा, नहीं हम नॉर्मल रेजिडेंट है बेटा। आज बेटा अपनी आवाज बुलंद करनी है आपको घर में और कहना वी आर नॉर्मल रेजिडेंट, हम नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है बेटा सोचिए कह रहे नहीं सर पापा पिटाई करेंगे। चलिए तो इस सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम का कमाता कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट। और कमाता है कौन से पीरियड में? अकाउंटिंग ईयर। कौन से पीरियड में कमाता है? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बेटा पीरियड होता है 12 मंथ्स का। कितने मंथ्स का पीरियड होता है? 12 मंथ्स। 12 महीनों का पीरियड होता है, या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या बेटा एक होता है कैलेंडर ईयर, या तो फाइनेंशियल ईयर होता है या कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड, और कैलेंडर ईयर होता है राजा
फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पीरियड, यानी 12 महीने के पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। सर आपने पिटवाने की प्लानिंग कर दी है। जी बेटा मैं चाहता हूं पिटो पिटोगे तो भी तो सुधरोगे राजा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर। हम मैं आपका जानी दुश्मन हूं बेटा, पिटवाना चाहता हूं मैं आपको, कुन्नक निकालना चाहता हूं मैं आपसे। ऐसा कुछ नहीं है नालायक को, फाइनेंशियल ईयर आप अनमोल रतन है मेरे लिए, और कैलेंडर ईयर दो ईयर होते हैं, फाइनेंशियल और कैलेंडर। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, कैलेंडर ईयर को हम कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलते। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे हम? फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, कैलेंडर ईयर में 12 महीने होते हैं। जी सर। विदिन कहां कमाएंगे बेटा? विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा बढ़िया, देखिएगा विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें आ जाता है पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, एयर वेज प्लस वॉटर वेज एंड वन इज एम्बेसी। डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी पहले शुरू से देख लीजिए, इट इज अ सम टोटल है किसका? फैक्टर इनकम का, और फैक्टर इनकम कितनी? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर पर जो इनकम कमाई जाती है, लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। कौन कमाता है? व्हिच इज अर्नड बाय, किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है बेटा? नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होता है जो भारत में रहता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में करता है, reside in the country, या economic interest lie within the country. During the period of, कौन से period में कमाता बेटा? Accounting year, और accounting year 12 महीने का period होता है, one is financial, another is calendar. लेकिन economics में कौन सा concept लेंगे राजा बेटा? हम लेंगे financial. Clear है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक तो clear है। लेकिन बेटा 12 महीने में कमाता तो है, लेकिन कहाँ कमाता है? Domestic territory of a country. बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, देखो मैं बता देता हूं थोड़ा, ये नीचे का हिस्सा बना दिया, यहां थोड़ा सा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा सा श्रीलंका, ये बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री। ऊपर भी पूरा मैप आपने देखा, सभी ने ये बताओ पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा नहीं देखा? पॉलिटिकल मैप देखा नहीं देखा? सभी बच्चों ने देखा पॉलिटिकल मैप बेटा? पॉलिटिकल मैप सभी ने देखा है? तो जो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री है उस बाउंड्री को डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, सभी बच्चों ने देखा। वेरी गुड दीप्ति, पारस, सलोनी, वंडर्स ऑफ पेंटिंग, वेरी गुड, इसी का सभी ने देखा। तो जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, भारत का मैप है, उस मैप को पॉलिटिकल बाउंड्री माना जाएगा। वेरी गुड स्वामी। एयरवेज, वॉटरवेज, अब उस पॉलिटिकल बाउंड्री पे मान लो इंडिया में कोई ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, कोई इनकम ऊपर कमाई गई, एयरवेज में कोई इनकम कमाई गई, वो भी किसकी है? भारत की। कोई इनकम पानी में कमाई गई, सर पानी आप सब जानते हैं इंडिया 3 जगहों से पानी में गिरा हुआ है, इंडिया 3 जगहों से पानी से गिरा हुआ है, सब जानते हैं। इंडिया 3 जगहों से पानी से गिरा हुआ है। अब एक तरफ तो है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ है अरेबियन सी, सब जानते हैं। पानी में कुछ एरिया होता है, पानी में कुछ एरिया होता है, उस एरिया में अब मुझे बताओ इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री यहां पर खत्म हो रही है, इससे आगे कोई आइलैंड होगा या नहीं होगा? क्या पानी में कोई आइलैंड होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे।
कहो ना प्यार मूवी आपने देखी होगी, कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की बेटा, ऋतिक रोशन की, जहां वो आइलैंड पे खो जाते हैं, कोई आइलैंड पक्का होगा, वांडर और पेंडिंग कह रहे होगा, स्मिथ कह रहे होगा, ठीक है। अब इस एरिया के बाहर कोई एरिया होगा तो उस एरिया को भी, यानी 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक, तकरीबन 21 किलोमीटर तक जो भी आइलैंड आएगा, यानी इस पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर कोई आइलैंड अगर आएगा, कितने एरिया तक, 12 नॉटिकल माइल एरिया तक कोई एरिया आएगा, उस एरिया को भी किसका हिस्सा माना जा रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। देखिए अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में पॉलिटिकल बाउंड्री बहुत छोटी होती है, यानी भारत के मैप कोई पॉलिटिकल बाउंड्री कह दो और भारत की टेरिटरी मान ली जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वाइडर टर्म है। श्रीलंका कितनी दूर है बेटा, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन श्रीलंका से पहले 12 नॉटिकल माइल यानी 21 किलोमीटर से तो दूरी होगा। लेकिन मैं बता दूं बेटा, कुछ स्कूल्स में कायदे में 12 नॉटिकल माइल नहीं है, एनसीईआरटी में 12 नॉटिकल माइल दे रखा है, इसलिए हमें 12 नॉटिकल माइल्स लेना है। अदरवाइज जब आप छोटे छोटे कोर्स करेंगे, सीएसीएस जैसे कोर्स, बीकॉम पढ़ेंगे, तो वहां पर टैक्स एक सब्जेक्ट होता है, टैक्सेशन, उस टैक्स सब्जेक्ट में आप 12 नहीं पढ़ेंगे, 200 नॉटिकल माइल एरिया होता है, 200 नॉटिकल माइल्स एरिया होता है। और बहुत सारे ऑथर्स की किताब, इनफैक्ट 12th में भी बहुत सारी किताबों में 200 नॉटिकल माइल्स है, बट हमारी एनसीईआरटी में 12 नॉटिकल माइल है, तो मैं 12 नॉटिकल माइल मानूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी मेरी मम्मी है, एनसीईआरटी मेरी नहीं, इनफैक्ट आप लोगों की मम्मी है, और मम्मी की बात तुम्हें माननी चाहिए बेटा। तो 12 नॉटिकल माइल नहीं, 200 है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 12 है, इसलिए हमें 12 माननी पड़ रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है एम्बेसी, एम्बेसी को हम करेंगे डिस्कस लेटर। डिस्कस लेटर पहले आप इसे कॉपी करिए, डोमेस्टिक इनकम हो गई, हमें पढ़नी थी डोमेस्टिक इनकम, वो हमने पढ़ ली डोमेस्टिक इनकम, लेकिन चैप्टर का नाम था नेशनल इनकम, चैप्टर का नाम क्या था, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम, हाँ जी इतना डिफरेंस रहा है, नेशनल इनकम देखिए क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रो, इसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रो, और निकलता कैसे है बेटा, ये फीफा माइनस फीटा, फीफा में से क्या माइनस कर लो, फीटा माइनस कर लो, फीफा में से फीटा माइनस। अभी बता दो तो डोमेस्टिक इनकम तो हो गई, डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम भी जोड़ लो जो विदेश से कमा कर लाए हैं। राजा बेटा विदेश में भी तो कोई बंदा काम करता होगा ना, हमारा विदेश में भी कोई बंदा काम करता होगा, तो विदेश से पैसा जो हम कमा कर लाए, जो पैसा हम विदेश से कमा कर लाए वो भी जोड़ दो तो नेशनल इनकम बन जाएगी, यानी देसी इनकम में विदेश से जो पैसा कमा कर लाए, देसी इनकम हो गई डोमेस्टिक इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ लो, NFIA, NFIA बोले तो वो पैसा जो हम विदेश से कमा कर लाए, यानी आउटसाइड, यानी विदिन के साथ साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, आउटसाइड भी अगर जोड़ दें, अगर आउटसाइड भी जोड़ दें तो नेशनल इनकम हो जाएगी, विदिन तो है ये, विदिन के साथ आउटसाइड, भारत में रहकर जो इनकम कमाई वो, और जो इनकम विदेश से कमा कर लाए वो, उन्हें अगर प्लस कर दिया जाए तो राजा बेटा बन जाती है नेशनल इनकम, और जो विदेश से कमा के लाए उसको बोलते हैं NFIA, NFIA बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। सार्थक बेटा क्या बताना है, सार्थक क्या बताना है,
और एनएफआई निकलता है फीफा माइनस पीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेश से कमा कर लाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे राजा जो भारत में रहते होंगे और भारत से पैसा कमा कर बाहर लेकर जाएंगे, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड मतलब जो विदेश से कमा के लाए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो भारत में रहकर लोग कमाकर कहां लेकर चले गए, विदेश। कुछ विदेशी लोग भारत में भी तो काम कर रहे होंगे ना, कुछ विदेशी लोग भारत में भी काम कर रहे होंगे और वो पैसा कमाकर कहां जा रहे होंगे, बाहर। उसको बोल देते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और कुछ भारतीय विदेश में रहते होंगे और विदेश से पैसा कमाकर लाए हैं तो उसको क्या बोल देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआईए। तो डोमेस्टिक समझ में आ गया, तो डोमेस्टिक हो गया विद इन, सार्थक भाई डोमेस्टिक हो गया विद इन, विद इन मतलब भारत में रहकर जो कमाया, और जो विदेश से कमा कर लाए यानी उस विद इन में, विदेश यानी आउटसाइड से जो कमा कर लाए उसे भी प्लस कर दो। भारत में रहकर जो कमाया सार्थक भाई वो, और जो विदेश से लाए उसे भी प्लस कर दो, तो नेशनल इनकम, अपने देश में रहकर जो कमाया वो और जो विदेश से कमाया वो। ठीक है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों क्या चीजें क्लियर हुई? इसी का कह रही है सर एयरवेज वाटरवेज वाला समाज, भारत का मैप है, भारत में जो भी एयरवेज होगा, जो भी एयरवेज होगा उसमें जो भी इनकम कमाई होगी भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री में रहेगा तो भारत की इनकम। और वाटरवेज मैंने समझाई दिया 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ओके, इसे जल्दी से बेटा एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से कॉपी करें, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट भले ही ले लो लेकिन कॉपी अभी करना, बाद में नहीं करना। सार्थक बेटा जो एब्रोड जाएगा वो हो जाएगा फीटा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, एफ आई टी ए फीटा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, और जो भारत में आएगा वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एनएफआई। जल्दी कॉपी करें बेटा, एक मिनट दे रहा हूं आप। सार्थक बेटा करेंगे, जो विदेश से कमाकर लाएंगे वो करेंगे। सार्थक बेटा फ्रॉम वाला जुड़ता है, देखो ना फ्रॉम वाला जो विदेश से लाया वो जुड़ेगा, जो विदेशी लोग हमारे देश से कमाकर लेकर चले वो माइनस हो जाएगा। ये डोमेस्टिक इनकम था, जब तक डोमेस्टिक इनकम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नेशनल इनकम समझ नहीं आए। जल्दी करिए फिर एमएससी वाला पॉइंट समझाते हैं। कॉपी कर लिया शायद आप लोगों ने,
सुमित कह रहे हैं सर अभी तक कर रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट तो आपने सबसे पहले लिया होगा। आइए कॉन्सेप्ट पढ़ना है एमबीसी का, ध्यान से सुनिएगा। एमबीसी एमबीसी या तो इंडियन एमबीसी होगी या फॉरेन एम्बेसी होगी। और बेटा अगर इंडियन एम्बेसी होगी या तो उसमें इंडियन काम कर रहा होगा या फॉरेनर काम कर रहा होगा। सेम चीज फॉरेन एम्बेसी होगी या तो उसमें इंडियन काम कर रहा होगा या राजा बेटा उसमें फॉरेनर काम कर रहा होगा। अब हमें देखना है कि ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। एमबीसी पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। 2.2 पर बेटा बेटा देखो अपनी बातें मत करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, मौज बट बेटा बाद में करना क्लास के बाद। नहीं बेटा गाथा में पेज नंबर 2.2 पर मिलेगा सर, 2.2 पर शुरुआत में ऊपर ही। पहले यहां देखो एमबीसी क्या होती है, कोई बच्चा बताना चाहता है मुझे व्हाट डू यू मीन बाय एमबीसी, एमबीसी क्या होता है कोई बच्चा बताएगा। बेटा बजरंगी भाईजान मूवी आप सबने देखी होगी, एयरलिफ्ट मूवी आपने अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट जरूर देखी होगी उन पिक्चरों में, या आपने पीके मूवी देखी होगी उसमें एमबीसी का वर्ड जरूर सुना होगा आपने। अगर पिक्चर को ध्यान से देखा है तो उसमें एम्बेसी वर्ड जरूर सुना होगा, सुना है नहीं सुना तो मुझे बता, जो आप अपनी भाषा में बता दो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी भाषा में बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेट नहीं होता बेटा कंट्री होता है, स्टेट नहीं होता कंट्री होता राजा। वेरी गुड, सबको पता है, सुन लीजिए क्या होता है, सुनिए। मान लो बेटा मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, अजय राणा कहां जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेटा मेरे साथ कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ दुविधाएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का दुखड़ा मैं किसके सामने रोऊंगा, उस प्रॉब्लम का दुखड़ा मैं किसके सामने रोऊंगा बेटा। ऑस्ट्रेलिया में मैं हूं, मेरी फरियादें कौन सुनेगा, मेरा रोना कौन सुनेगा, मेरी बातें कौन सुनेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं सुनेंगे, दयालु नहीं होता कोई भी विदेश में, इंडिया भले आपको दयालु मिल जाए विदेश में कोई दयालु नहीं मिलेगा। अब बेटा ऑस्ट्रेलिया में मैं ढूंढूंगा इंडिया की एम्बेसी, हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है, हर देश में हर देश की क्या होती है एम्बेसी होती है, उसी प्रकार इंडियन एम्बेसी हर देश में होगी, इंडियन एम्बेसी हर देश में होगी जहां आप अपना दुखड़ा रो सकते हैं, अपनी परेशानी उन्हें बता सकते हैं। सेम चीज,
सेम चीज इंडिया में भी होगी। कोई विदेशी बंदा इंडिया में आता है, मान लो कोई इंग्लैंड का बंदा भारत में आता है, उसे कोई परेशानी होती है तो इंग्लैंड की एम्बेसी, यानी इंडिया में इंग्लैंड की एम्बेसी से बात करेगा। तो बेटा जो भी एम्बेसी होती है तो इंडियन एम्बेसी क्या इंडिया में होगी? नहीं होगी। इंडिया एम्बेसी होगी अब्रॉड में, बट इकोनॉमिक्स कहती है इसको विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। भले ही बेटा इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया की एम्बेसी एक्स वाई जेड सारे देशों में है, तो इकोनॉमिक्स कह रही है जहां जहां एम्बेसी है उसको भारत का हिस्सा ही माना जाएगा। तो पहली बात तो आप ये मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी है वो इंडिया का ही हिस्सा है, और फॉरेन एम्बेसी भले इंडिया में हो उसको बेटा आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, आउटसाइड। यानी इंडियन एम्बेसी तो इनसाइड है और फॉरेन एम्बेसी आउटसाइड है। भारत में होने के बावजूद भी, हाँ बेटा, वंडर्स ऑफ पेंटिंग्स, पता नहीं क्या नाम है, वंडर्स ऑफ पेंटिंग अपना नाम बताइए बेटा। इंडिया में जितनी भी एम्बेसी है वो भारत का हिस्सा नहीं है, इंडिया में जितनी भी एम्बेसी है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। और इंडिया की एम्बेसी हर देश में है, इंडिया की एम्बेसी हर देश में है, उसको भारत का हिस्सा माना जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक्स कहती है। और राजा बेटा जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा वो डोमेस्टिक इनकम में तो जुड़ेगा, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता वो नहीं जुड़ेगा। सुनिए, इंडिया का बंदा था, इंडियन एम्बेसी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियन एम्बेसी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डेफिनेशन नहीं आने की, इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं कि ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, फिर भी लिखवा दूंगा मैं। देखिए, इंडियन एम्बेसी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत में रहकर भारत वाला पैसे कमा रहा है, तो डोमेस्टिक में तो जुड़ेगा बेटा। भारत में रहकर विदेशी पैसा कमा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहा है। तो देश की टेरिटरी में तो है, तो जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा वो डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। अब आइए नेशनल की बात कर लेते हैं। भारत की टेरिटरी थी, भारतीय ही काम कर रहा है, इंडिया ही काम कर रहा है, तो भैया नेशनल इनकम में भी जुड़ेगा क्योंकि पैसा तो भारत में ही आएगा ना, ऐसा ना होगा भारत में। लेकिन राजा बेटा, भारत की टेरिटरी थी, विदेशी बंदा काम कर रहा है, क्या वो पैसा भारत लेकर आएगा बोलो। भारत की टेरिटरी में भारतीय बंदा काम कर रहा है तो ठीक है, भारत की नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा, हाँ ये जॉब कर रहा होगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी भारत की टेरिटरी का हिस्सा है, विदेशी बंदा काम कर रहा है, क्या विदेशी बंदा भारत में पैसा लेकर आएगा? भारत में नहीं आएगा, वो पैसा लेकर बाहर जाएगा। तो बेटा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि किसका पार्ट है? थीटा का पार्ट है। थीटा बोले तो फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब आइए बेटा आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भारत में है ही नहीं, तो भारत में है ही नहीं तो भारत में क्यों जुड़ेगा? जो भारत में है ही नहीं तो भारत में नहीं है तो भारत की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन नेशनल की बात करो, विदेशी टेरिटरी थी, विदेशी एम्बेसी थी, लेकिन इंडियन काम कर रहा है बेटा, विदेश में इंडियन काम कर रहा है, पैसा कमाकर कहां लाएगा वो? विदेशी टेरिटरी है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन वो पैसा जो भारतीय काम कर रहा है वो काम कर पैसा कहां कमाकर लाएगा? इंडिया में लाएगा। वेरी गुड सार्थक बेटा, इंडिया में लाएगा,
जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि फीफा है, फीफा बोले तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जुड़ जाएगा, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे सार्थक, सौम्या, सलोनी, सुमित, दीप्ति, वेरी गुड। लेकिन बेटा एक बात बताना, विदेशी बंदा, विदेशी टेरिटरी, क्या कमाकर भारत में लाएगा पैसा? विदेशी बंदा है, विदेश में पैसा कमा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड पर उतार रहा है, अपनी वाइफ पर पैसा खर्च कर रहा है, अपनी फैमिली पर पैसा खर्च कर रहा है, क्या भारत में पैसा आएगा? जब भारत में पैसा नहीं आएगा तो विदेशी बंदा था, विदेशी टेरिटरी थी, भारत का इससे क्या लेना देना? ये रहा बेटा एक कॉन्सेप्ट था एम्बेसी का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडियन पर्सन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, इंडियन पर्सन है रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, क्या वो मेरे देश की नेशनलिज्म में जुड़ेगा? इंडियन बंदा रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है, क्या देश की नेशनल कम में जुड़ेगा? हाँ ना, देखिए इंडियन बंदा था, रशियन मतलब फॉरेन एम्बेसी थी, क्या नेशनल कम में जुड़ रहा है? हाँ जुड़ रहा है, क्योंकि किसका पार्ट है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वेरी गुड। अगर वो बाहर जाके वहीं रहने लगे हो तो इंडिया से कोई कनेक्शन ना हो तब भी इंडिया में आएगा क्या? नहीं बेटा नहीं आएगा, इसलिए तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, या तो भारत में आकर रहे या भारत में पैसा खर्च या कमाए, या तो खर्च करे भारत में या कमाए या भारत में रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में करे, ये वर्ड यूज किया हमने डेफिनेशन में भी बेटा। जल्दी से इसे कॉपी करिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिएगा बेटा, कल न्यूमेरिकल भी करेंगे। कौन सा नहीं जुड़ेगा डोमेस्टिक में बेटा? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं कर रहा। सलोनी, इंडियन बंदा फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, और डोमेस्टिक इनकम में तो वो जुड़ती है जो विद इन द टेरिटरी होती है, तो आउटसाइड द टेरिटरी है। जल्दी कॉपी करिए बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर है बेटा? जल्दी कॉपी करिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, कल क्वेश्चन बैंक के साथ बैठिएगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, बिना क्वेश्चन बैंक के काम नहीं चलेगा। बिना क्वेश्चन बैंक के काम नहीं चलेगा राजा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए बेटा अपना, सेफ रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बाय बाय, टेक केयर।